हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्क्रैप वुडन पीस को डेकोरेट करेंगे जो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल, मतलब वेस्ट मटेरियल है, या हम कहिए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, मेरे पास ये एक वुडन पीस है। ये जो है जैसे डोर का एक पार्ट है, उसको मैंने यूज़ किया है। वो तो इसको जो है हम कुछ नए डेकोरेट करेंगे इसको यूज़ करके। तो हम इसके साथ में कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि कुछ मेरे पास ये वुडन पीसेस हैं। ये ऐसे वुडन पीसेस थे, वो किसी बास्केट के पार्ट था, तो वो मैंने यूज़ किया है। और इसके साथ मैंने कुछ इस तरीके के पीसेस यूज़ किए हैं। ये कोई शैंडिलियर था, उसको यूज़ करके, उसका पार्ट था ये, तो वो टूट गया, उसके बाद इसको यूज़ किया है हमने। और मैंने कुछ देखिए और चीज़ें यूज़ करी हैं, जिसमें ये सब है, जिसमें स्टोन्स हैं कुछ, ये स्टोन्स हैं, ग्लास स्टोन्स हैं, कुछ शेल्स इस तरीके की यूज़ की हैं, कुछ ये स्टोन्स हैं, वाइट स्टोन्स हैं। और ये भी एक शोपीस था, ये देखिए, ये शोपीस एक था, उसको भी, वो भी टूट, मतलब उसको टूट चुका है, तो उसको ही कुछ यूज़ करेंगे। और इस तरीके का मटीरियल यूज़ करके एक नया डेकोरेटिव पीस बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें और भी एक दो चीज़ें चाहिए होंगी। स्प्रे पेंट चाहिए होगा, गोल्डन स्प्रे पेंट मैंने यूज़ किया है, और एक ग्लास यूज़ किया है। एक ग्लास इस तरीके का ओवल शेप में है, शेप कोई भी ले सकते हैं, पर मेरे पास ओवल था तो मैंने ओवल यूज़ कर लिया है। वाइट पेंट लेंगे हम इसमें, और कुछ फेविकॉल यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें यूज़ करके हम एक नया डेकोरेटिव पीस बनाते हैं। तो आइए शुरू, जब बेस रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमें इस वाले पेज पे कलर करना है। तो मैंने वाइट पेंट लिया है, वाइट पेंट जो है वो मैं इसके ऊपर पूरे पीस पे कर देंगे। कोई भी सिंपल वाइट पेंट आपने लेके उससे इसको कलर कर देना है, ताकि जो इसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा और अच्छा लुक आ जाए इससे। ये देखिए, ये ऐसा है, बिल्कुल रफ, बिल्कुल ही जो आपका रफ चीज थी उसी को एक नया लुक आ जाएगा इसमें। वाइट बैकग्राउंड से हम वाइट बैकग्राउंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो जो इसका आगे कलर्स यूज़ करेंगे ऊपर, तो वो जो है वो बिल्कुल क्लियर उसमें दिखेंगे, इसलिए मैंने वाइट पेंट यूज़ किया है इसको करने के लिए। इसको आप स्प्रे वगैरह से भी कर सकते हैं, जैसा चीज़ अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से ये काम किया जा सकता है। एक कलर स्कीम रखें अगर इसको बनाने में, तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और लाइट बेस पे, वैसे भी अगर लाइट बेस हो तो जो भी ऊपर से हम कलर लेंगे वो बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। देखिए, इसमें अपने आप ही जो ये पीस है वुडन पीस, इसके अंदर अपने आप ही एक टेक्सचर बना हुआ है, उस टेक्सचर को ही बस हम हाईलाइट कर रहे हैं थोड़ा सा, जिससे कि वो और अच्छा उसका बैकग्राउंड हो जाए। ब्रश, ये ब्रश की हेल्प से पूरे में इसको कर लेते हैं। रफ ही करेंगे, बहुत इवन नहीं रखेंगे। इवन की कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि बेस जो है बिल्कुल एक जैसा लगे, क्योंकि हम वैसे ही इसका जो बस सिर्फ वुड जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा और एक हाईलाइट कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में दिखेगा भी तो अच्छा लगेगा वो चीज़। थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डार्क कहीं होगा तो अच्छा लगेगा।
देखिए ये सब जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब कलर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, कहीं थोड़ा कम, कुछ से और लुक अच्छा आ रहा है। हम इसे टर्न कर लेते हैं, पीस को इस साइड कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे, ये डोर का ही पार्ट था ये, तो उसको ही यूज़ किया है एज अ बेस। और देखिए मैं बिल्कुल डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, कोई ऐसी उसमें ऐसा नहीं कि कलर बिल्कुल फिनिश ही होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी जैसा लग रहा है वैसा मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको ड्राई होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा कलर जो है वुड है, ये ड्राई पहले से ही वुड है, डोर की थी इसलिए, और इसको क्या कहते हैं, वो अपने आप ही अंदर सोख हो जाएगा कलर, तो जल्दी ड्राई हो जाएगा ये। अगर चाहेंगे तो इसको हम बाहर भी थोड़ी देर को रख सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में मैंने किया है, जिससे कि उसका लुक एक ही जैसा लगे। ब्रश अगर स्ट्रेट ऐसे ही रखा है इसे करने के लिए, देखिए ऑलमोस्ट अब हो गया है मेरा ये सारा का सारा। अभी ये 5 मिनट्स में अपने आप ये ड्राई हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा कलर हो गया है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं, तब तक ये ड्राई होगा। दूसरे स्टेप को करने के लिए हम एक जो हमने गोल्डन जो ओवल शेप लिया था उसको हम यूज़ कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं। हम इसके लिए एक पेपर रख लें, पेपर के ऊपर ये हमने ऐसा अपना गोल्डन पी ये ओवल वाला पीस लिया, और जो स्प्रे लिया था उस स्प्रे से पूरे को इसको इसका बैकग्राउंड जो है प्लेन से हमने इसको भी गोल्डन कर दिया, देखिए पूरा इसको गोल्डन कर दिया। ये जल्दी ड्राई हो जाता है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ड्राई होने में, ये भी 5 मिनट्स में हो जाएगा। तो जैसे ही ये ड्राई होता है वैसे ही हम लोग इसको शुरू कर देंगे। इसके साथ मैंने जो और चीज़ की है वो ये करा है कि जो ये ब्राउन कलर के पीसेस, ये जो वुडन पीसेस थे, ये वुडन मेरे पहले कोई फ्रूट बास्केट थी वो टूट, मतलब उसके पीसेस हैं ये, तो ये पहले ऐसा था, मैंने इसको कलर इस तरीके से कर लिया है। ये देखिए पहले इसको हाफ 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 गोल्डन और हाफ ब्लैक जो है इस तरीके से कर लिया है। ये देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से मैंने पहले से कर लिया है। और क्योंकि मैंने अपनी जो थीम रखी है वो ज़्यादा ब्लैक और गोल्डन ही रखी है, इसलिए तो ये शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा ड्राई हो ही गया होगा, हमें इसे स्टिक करना है इस पर। अब ये हमारा ये पोर्शन जो है, ये जो वुडन पीस था ये भी लगभग ड्राई ही हो चुका है।
पर ड्राई हो गया है, तो मैं इसको जो शुरू करूँगी, मैं ये एक ये इसको एक फेस का ही लुक देंगे, एक मतलब एक फिगर जैसी ही बनाएंगे इसमें। तो मैंने ये वाला पोर्शन जो है फेस के लिए यूज़ करेंगे और बाकी ये पूरा बॉडी पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस सेंटर पर हमें ओवल अपना जो पीस था ग्लास पीस उसको रखना है। तो हम उसको रखने के लिए हम यहाँ पर फेविकॉल थोड़ा सा लगा देते हैं, जितने पोर्शन पे हमें उसे रखना है उतने पोर्शन पे हम यहाँ पे ये साइड में फेविकॉल लगा देते हैं, जिससे वो फिक्स हो जाएगा। जब उसे रखेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो फिक्स हो जाएगा। देखिए ऐसे हमने फेविकॉल अपना इस पे लगा दिया, थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे नहीं तो उससे क्या कहते हैं कलर जो है वो स्टिक होने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, इसलिए हमने ये कर लिया। और जो ये हमारा गोल्डन पीस है, ये गोल्डन पीस है वो हम इसी पे ऐसे एज इट इज़ रख देते हैं। देखिए इसमें गोल्डन पीस हमने ये रख दिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने स्टोन्स लिए थे, स्टोन्स ग्लास स्टोन्स यूज़ करे थे, ये देखिए ये इस तरीके के ये जो ये ग्लास स्टोन्स हैं इनको यूज़ करेंगे अब इसको डेकोरेट करने के लिए। तो ये कैसे करेंगे, इसे इसका फेस अंदर टर्न कर लेते हैं, ऐसे टर्न कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं फेस ऐसे। ये देखिए ये हमारा ये फिक्स हो जाएगा ये थोड़ी देर में। अब हम क्या करेंगे, जो स्टोन्स हैं हमारे ये वाले स्टोन्स हैं इनको यूज़ करेंगे हम, इसको इसके बाहर लगाएंगे। जो ये ओवल हमने लगाया है इसके बाहर हम उन ग्लास पीसेस को लगाएंगे जो बीड्स हैं। इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये स्टिक होने में ही सब चीज़ें इसमें ज़रूरत सिर्फ स्टिक होने की है कि अच्छे से स्टिक हो जाए वो। देखिए अब हम इसमें एक बार में लगा लिया है ताकि एक बार एक साथ ही लगाते चले जाएंगे। हमने क्या किया, देखिए ये वाइट लिया है, ये दो कलर के स्टोन्स हैं, एक वाइट है एक थोड़ा सा ब्राउन सा शेड कलर है, तो बस एक वाइट एक ब्राउन हम रखते चले जाएंगे। देखिए स्टिक हो जाएगा ऐसे, वाइट ब्राउन वाइट ऐसे हम ये रखते चले जाएंगे। इसके बाहर बाहर ऐसे, ऐसे अपना एक एक करके ये इस पर रखता चले जाएंगे, स्टिक हो जाएगा अपने आप ही, जैसे ड्राई होगा वैसे स्टिक हो जाएगा। तो ये ओवल लेने की वजह से इसमें एक फेस का लुक आ गया है अपने आप ही। ये इस तरीके से ये ब्राउन हो गया, ये है कुछ ग्रीन बीट्स भी हैं इसमें मेरे पास, तो एक दो ग्रीन बीट्स यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको पास पास कर देंगे, ऐसे यूज़ कर देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस इसका सही कर देंगे जिससे कि सब इवन लगने लग जाए। ये देखिए ये अब स्टिक हो गया पूरे में इस तरीके से, देखिए ये फेस आ गया इसका। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक इसका जो नेक जैसा कुछ बनाना होगा, हम ये मान के चलें कि ये हमारी इसकी नेक है। नेक बनाने के लिए ये इसको यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक नेक बनानी है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये बॉडी पार्ट होगा तो इसलिए इसमें नेक ऐसे बनेगी। ये इस तरीके से हमने लिया
और ये इसकी ऐसा शोल्डर्स कर दिए, थोड़ा सा जैसे भी हमें लगेगा वैसे हमने इसके ऐसे शोल्डर्स ये बना दिए। यहाँ से ये नेक ली और ये शोल्डर्स हमने ऐसे यहाँ पे बना दिए। ये देखिए ये ऐसे नेक का पोर्शन हो जाएगा, ये इतना, ये देखिए ऐसा ये नेक का पोर्शन हो गया, ये नेक आ जाएगी और ये पूरा नीचे हमारी इसकी ड्रेस बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो बीड्स थे ये स्टोन बीड्स अब हम इसमें यूज़ करेंगे, इसमें स्टोन बीड्स हम, अच्छा इससे पहले हम ये इसमें, चलिए पहले यही करते हैं, नेक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका एक नेक पहले ही, जो ये नेक का लाइन है, ये नेक लाइन हम इसको पहले बना लेते हैं। ये नेक लाइन बनाने के लिए हमने क्या किया, बीच में एक रेड रख दिया, ये देखिए इससे ये नेक जो है वो बन गई। देखिए ये सेपरेट हो गया, ये नेक जो है अभी क्लियर हो गई कि हमारी ये नेक आ गई है इसमें। इसके बाद हम ये जो ये पोर्शन है इसको भी कुछ शंख वगैरह शेल्स वगैरह का यूज़ करके हम इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं। कलर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा वो नहीं है, जो चीज़ एज इट इज़ भी हम लगा सकते हैं, वो अच्छा लगेगा, उसका बेस से ही मैच करेगा वो पूरा का पूरा सब चीज़ें। देखिए ये ऐसे, अब हमने क्या किया कि ये जो शेल है ये ऐसे हमने इस तरीके से लगा दी, ये शेल यहाँ लगा देते हैं, एक शेल यहाँ लगा देते हैं, ये देखिए ये ऐसे शेल हो गया, एक शेल ये हो गई। ये देखिए नेक का पोर्शन ये इस तरीके से अलग ही शो होने लगा, ये नेक हो गया। इसके बाद हमने क्या किया कि एक मेरे पास ये पीस भी रखा हुआ था, इस पीस को मैं इसके बीच में लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया, इसे फिक्स करके। ये कुछ ये पीसेस हैं, कुछ भी जो चीज़ अवेलेबल हो उसको कर सकते हैं, पर मेरे पास ये सब इस समय था तो मैंने ये सब इसमें डेकोरेट कर दिया। इसे इस तरीके से ये नेक हमारी बन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो ये पोर्शन है इस पोर्शन पे लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले यूज़ करेंगे इस तरीके के ये वाली जो पीसेस हैं वो यूज़ करेंगे इसे करने के लिए। इसको करने के लिए भी या तो हम फेविकॉल इस पे लगा लें या हम इस पे ऐसे, देखिए ये फेविकॉल हमने ऐसे लगाया है इस पे और इसके बेस पे भी लगा दिया, ये देखिए ये बैक साइड जो है उसमें भी लगा दिया और ऐसे देखिए इसके थ्रू यहाँ रख दिया हमने, ये ऐसे ये स्टिक हो जाएगा, अभी अपने आप स्टिक हो जाएगा। या तो हम ऐसे करते हैं, पहले एक लाइन बना के लगा ही लेते हैं, इसके बेस पे बस लगा लीजिए और लाइन वहीं पर इसके फिक्स हो जाएगी, ये ऐसे ऊपर नीचे रहेगा तो अच्छा लुक आएगा इसका, ऐसे। क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा रफ ही दिखाना है इसलिए ये हर एक के बीच बीच में से पहले लगा लेते हैं। ये देखिए ये है, इसमें फिक्स हो गया, ये अपने आप ड्राई हो, जहाँ पे भी फिक्स हो कोई ऐसा वो नहीं है, ये इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ऐसे फिक्स हो गया। होता चला जाएगा और ये अपने आप एक ड्रेस का पार्ट भी हो गया और ये एक लुक भी इसका अलग हो गया बिल्कुल। ये ऐसे एक के ऊपर एक हमने फिक्स कर दिया।
जितनी स्पेस है उसी स्पेस को हम यूज़ कर लेते हैं। ये ऐसे हो गया। अब ये जो पीसेस हैं वो हम इसी के ऊपर ही लगा देंगे, इसी के बीच में ही लगा देते हैं। ये देखिए ऐसे ये लेके और इसका बैक साइड ले लेते हैं। इसी के ऊपर ही फिक्स कर देते हैं। देखिए ऐसे करके इसी पे फिक्स कर दिया। देखिए ऐसे फिक्स कर दिया। जिधर 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 हमारा फेविकोल लगा है, फेविकोल इधर सेट हो रहा है, तो इस पर देखिए ऐसे फिक्स हो गया। ऐसे ही इस पर लगा देते हैं एक। ऐसे लिया और इसके बीच में कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। ये देखिए ऐसे इस पे फिक्स हो गया। जितनी स्पेस है उसी स्पेस को हम यूज़ कर लेते हैं करने के लिए। ये है हो गया। और ये एक पीस और बचा है मेरे पास, तो या तो बीच ही में लगा दे हम इसको, यहीं शिफ्ट कर देते, यहीं लगा देते हैं। ये देखिए ऐसे इस तरीके से ये हमने अपना इसका ड्रेस का थोड़ा सा पार्ट हो गया। अब इसमें क्या है, मेरे पास कुछ इस तरीके के शेल्स भी रखे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके के शेल्स, तो उनको यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को कवर करने के लिए हम उन शेल्स का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जो ये है इसको हम इसी के बीच बीच में ऐसे ही अरेंज कर देते हैं। कुछ भी ऐसे थोड़ा अनइवन तरीके से करेंगे तो और अच्छा लगेगा। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कैसा भी किसी भी वे में। ऐसे इसको मैंने इसी पे स्प्रेड कर दिया। थोड़ा फेविकोल लगा दीजिए यहाँ पे, जैसे ये फिक्स हो जाएगा। और ये बिल्कुल नेक पीस एक तरह से हो गया, इसमें लगने लगा कि नेक पीस है ये। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लगाएं, पर जितने लग सकते हैं, जितना उसका लुक अच्छा आएगा उतना उसे हम लगा सकते हैं। सफिशेंट है से लगाने के लिए, बस इसमें इतना हाईलाइट हो गया ये इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये पीसेस हमने पहले से कलर करके रखे थे उसको हम लगा लेते हैं। ये पीसेस जो हैं इनको पहले इसको फिर लगा लेते हैं। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम फेविकॉल बैक साइड में लगाएंगे, क्योंकि ये तो वुडन है ही पहले से, तो ये हम डायरेक्ट इसमें स्टिक करके ऐसे हम स्टिक करते जाते हैं।
एक एक पास पास करते जाएंगे तो देखिए कैसा इतना गोल्ड, क्योंकि मैंने इसका बेस जो लिया है वो ब्लैक और गोल्डन का ही लुक दिया है सारा। पास पास नहीं करेंगे, थोड़ा सा दूरी पे हम इसे लगा लेते हैं इस तरीके से, फेविकॉल लगा के और हमने इसको स्टिक कर दिया इस तरीके से। देखिए ये ऐसे फेविकॉल लगा लिया इस पर। तो जो ये, क्योंकि मैंने पहले से हाफ कलर किया था इसे, इस तरीके से हाफ कलर किया था गोल्डन और हाफ ब्लैक, तो इससे देखिए अपने आप ही इसमें जो यहाँ गोल्डन किया था उससे वो अपने आप अलग हो रहा है। या तो हम एक एक लाइन यहाँ पे ही लगा देते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा करने में। देखिए ऐसे इसको फिक्स करते चले जाएंगे। दो तीन लगा लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा, जल्दी लग जाएगा इसमें। जितनी लाइंस आती हैं उतनी लाइंस ही हम इसको यूज कर लेते हैं। इस तरीके से इसमें ये पोर्शन हो गया। और एक बार और ये जितना है ये एक बार और लगा देते हैं इसी के नीचे। पहले ही से मैं इसमें फेविकॉल लगा के कर रही हूँ जिससे इजी हो जाएगा लगाने में। बस हम नीचे रखते चले जाएंगे और हमारा फिर ये स्टिक हो जाएगा। थोड़े से स्टिक कर देते हैं तब तक। देखिए ऐसे चाहे बीच बीच में लगा दीजिए तो और अच्छा लगेगा। इसके बीच बीच में लगा देते हैं जो हमने लिया था उसके बीच बीच में, एडजस्ट करके थोड़ा सा, क्योंकि अभी ड्राई हुआ नहीं है इसलिए एडजस्ट हो सकता है। जितने भी पीसेस है वैसे हमने स्टिक कर दिया। ऐसे ड्राई हो जाएगा जब तब सब फिक्स हो जाएगा। ये बस एक दो लाइन में ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये पार्ट, ड्रेस का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ये हमारा पूरा ड्रेस का पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। देखिए ऑलमोस्ट हमारी पूरा का पूरा ये बैकग्राउंड वुडन पीस था, पर अब देखिए इसका लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम फेस पे बना लेते हैं। फेस हम कैसे करेंगे, फेस के लिए मेरे पास देखिए ये ड्राई हो गया है, अब ये ड्राई हो चुका है, अब इसमें हम बस इस पे लगाना है हमें। तो देखिए इसे कैसे करेंगे कि जो ये पीस है हमारा, ये पीस इसके पीछे हम फेविकॉल स्टिक कर लेते हैं। देखिए ऐसे फेविकॉल लगाया इसके बैकग्राउंड पे ताकि ये फिक्स हो जाए। ये देखिए ऐसे हमने रख दिया है, देखिए इस तरीके से ये रख दिया। इसके बाद इसमें हम जो ये वाला पोर्शन है, ये दूसरा वाला जो है, इसमें हम फेविकॉल लगा,
ऐसे लगा देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा फेस का ही लुक देंगे इसे। जो जैसा था वो पीस टूट गया था तो उसको ही मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ एक तरह से, पर हाँ इस तरीके से टूटा कि वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने ऐसे यूज़ कर लिया है, ये एक फेस ये वाला आई हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ये इस तरीके से। और जो ये वाला पीस है, इस वाले पीस को देखिए, ये वाला पीस है, इस पीस को यहाँ रख देते हैं। ये जो लुक है ये इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, चाहे इसको ऐसे रख दीजिए चाहे ऐसे रख दीजिए, कैसे भी रख सकते हैं, इस तरीके से रख दिया, ऐसे फिक्स हो जाएगा जब ऐसे हो गया। अब मेरे पास जो ये स्टोन बीड्स हैं, ये जो स्टोन बीड्स हैं ये वाले, इनको यूज़ कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा आईज का लुक दे देंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा फेस। देखिए हमने ये इधर लगा दिया, ये इधर लगा दिया, देखिए अब बिल्कुल क्लियर हो गया है एक तरह से कि हमारा आईज नोज जैसे किधर होनी चाहिए। अब ये क्योंकि ये रेड कलर का था तो अपने आप ही ये रेड पोर्शन, इसने लिप्स का पार्ट शो कर दिया है। रख के ये मैंने यहाँ रख दिया है, ऐसे ही ऐसे आ गया, ये आपका फेस इस तरीके से बन गया। अब हम क्या करते हैं, बस फाइनल इसमें ईयरिंग्स लगा देते हैं। ईयरिंग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये जो स्टोन्स मैंने यूज़ किए थे ये वाले स्टोन्स, इनको ले लेते हैं। पहले ईयरिंग्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फेविकॉल लगा देते हैं जो हम, ताकि स्टोन्स अपने रख लेंगे, डायरेक्टली रख लेंगे। देखिए सेंटर में हम ये ब्लू वाला रखेंगे और इसके बाहर ये वाइट वाले स्टोन्स जो हैं, कलर भी कर सकते हैं इसे, कोई ऐसी बात नहीं है, पर हम ये स्टोन्स ये यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये हो गया, और इसको हम एक ये वाला पीस है, ये ऐसे ये हमने इयररिंग जैसा इसमें बना लिया, ऐसे ही हम यहाँ बना लेते हैं इयररिंग। तो पोर्शन पे ये जहाँ पे भी आएगा सेंटर में ये रखा हमने, बाकी स्टोन्स रख देते हैं सब। ये स्टोन्स रख गए, और जो ये वाला पीस है इसको हम इस इयररिंग के पार्ट के लिए तरीके से, ये हो गया। देखिए ये हमारा पीस रेडी हो गया है, जो हमने डेकोरेटिव इस तरीके से, ये हमारा एक जो पीछे देखिए स्क्रैप वुडन पीस था उसको एक बिल्कुल ही नया लुक मिल गया है। तो ये आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।